हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांशु सिंह एक बार फिर आपके लिए वीडियो बना के लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि जियो प्राइम कि अगर हमने जियो प्राइम के लिए इनरोल नहीं करवाया अपना नंबर अपने आप को, तो हमें क्या देना पड़ेगा जियो को। तो बस इसी टॉपिक में वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे यही कहूंगा, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर ले। जिसके लिए मेरे चैनल पे जो आप जाओगे, यहाँ पे एक रेड कलर का निशान मिलेगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को, जितनी भी ट्रिक के वगैरह आती है मेरे चैनल पे, वो सबसे पहले आपको अपडेट टू मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जियो ने फिलहाल ही में जियो प्राइम लॉन्च करा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपको 99 रुपीज का एक रिचार्ज कराना होगा 31 मार्च से पहले, जिससे आप रिचार्ज कराने से जियो प्राइम के मेंबर बन जाओगे। अगर हम जियो मेंबर नहीं बनते हैं, हमने 31 मार्च 2017 से पहले एनरोल नहीं करवाया अपने नंबर को, तो हमें 1 GB के लिए 140, 120, 70 रुपीज देने होंगे। जो स्टार्टिंग प्लान है वो 96 रुपीज का है। आप देखिए, जियो ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल रखा है कि जो जियो के प्राइम मेंबर होंगे उन्हें 96 रुपीज में अनलिमिटेड फ्री वॉइस मिलेगी, और जो डाटा मिलेगा वो 7 GB मिलेगा। ओके। और जिन्होंने 31 मार्च तक अपने आप को यानी कि अपने नंबर को इनरोल नहीं करवाएंगे, उनके लिए 96 रुपीज में कॉल तो फ्री रहेंगी, लेकिन 0.6 GB डाटा मिलेगा। मीन्स 1 GB भी नहीं मिलेगा आपको, यानी कि 600 MB ओनली। और देखिए, अब 149 रुपीज का प्लान है, इसमें ये 2 GB डाटा दे रहे हैं, और ये 149 में नॉन जियो प्लान है 1 GB। मीन्स कितने का हो गया आपका ये 75 रुपीज का, 303 रुपए का प्लान। देखिए, नॉन जियो के लिए है 2.5 GB, और जियो प्राइम मेंबर के लिए है 28 GB। अब आप देख ही रहे होंगे कि अगर आप अपने मेंबर को जियो से जियो प्राइम की मेंबरशिप नहीं लेते हैं, तो आपको डाटा यूज करने के लिए 4G कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप जियो प्राइम ऑफर का लाभ उठाएं। आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।